సార్ ఇమీడియట్లీగా మన ఫోర్స్ మొబైల్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. और इंशाल्लाह करते रहेंगे आप तमाम मीडिया वालों को हम करेंगे, पूरा हाईलाइट करिए ये बात को, ऐसे भी लागू नहीं होना चाहिए. और यहाँ पर जो है हम पूरे हिंदुस्तान में ये पूरे साउथ जोन में अभी कहीं भी रैलीस, प्रोसेशंस या ओपन आउटडोर कोई डेमोंस्ट्रेशन या इन फेवर ऑफ, इन अपोजिशन ऑफ ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में कोई पुलिस की ओर से कोई परमिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया है. सो सभी को यही एडवाइस है कि कोई ऐसा कोई रूमर्स या कोई ऐसे मैसेजेस जो सोशल मीडिया में या दूसरे तरह से ओरली या बातों से सुन के ऐसा कोई परमिशन है, कोई रैली है, कोई प्रोसेशन के लिए परमिशन दिया गया है आइए पार्टिसिपेट करने को, ये गलत है. अभी पुलिस की ओर से किसी को भी कोई परमिशन नहीं दिया गया है. अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने प्रिवेंटिव कस्टडी लिया है? अभी चार मीनार में कुछ लोग शायद कुछ मैसेजेस देख के या कुछ सुन के कि यहाँ कुछ रैली आज होने वाला है, कुछ लोग आए थे. तो अभी तक काफ़ी लोगों को हमने समझा के उनको भेज दिया कि कोई रैली नहीं है, तो काफ़ी लोग मान के चले गए. कुछ लोग हमको कस्टडी में लेना पड़ा. अभी तक 50 के करीब करीब लोगों को, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, 50 के करीब करीब लोगों को हमने कस्टडी में लिया. लेडीज़ कितने हैं सर? हाँ, करीब 18 to 20 है. सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोग चार मीनार को विजिट करने आए हैं घूमने के लिए, वैसे लोग को भी प्रोटेस्ट करने आए बोलते, वैसे लोग को भी अरेस्ट करें बोलते सर? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं. अगर हम पूछ रहे हैं, अगर खुद लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए और उनको हम समझा रहे हैं कि आज नहीं है कोई परमिशन कोई रैली का कुछ का, आप नहीं आइए चले जाइए, तो वैसे भी खुद मान के चले जाने लोगों को हम भेज दे रहे हैं. अब तक कस्टडी में रखेंगे सर? कैमरा नहीं, वो हम सिचुएशन देख के उसका डिसीजन लेंगे.